हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अपने घर पर बैठे फ़ोटो कैसे बनाएं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोटो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना अनिवार्य है, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, पिक्सआर्ट, जिसका नाम है पिक्सआर्ट। यहाँ पर स्किप करते हैं, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ़ोटो को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को चूज कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कटआउट पे, सॉरी, यहाँ पे जो कटआउट ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद इस फ़ोटो के चारों ओर ऐसे ऐसे करके घुमा देना है। ठीक है, अब घुमाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, रिस्टोर, इरेज, प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कैसा फ़ोटो आपका बना है। ठीक है, और प्रीव्यू को हटा देते हैं, पहले इन दो ऑप्शन को देख लेते हैं क्या होता है। रिस्टोर, इरेज करना मीन्स ये जो रेड कलर की पट्टी है, कलर है पूरे बॉडी पे आ चुका है, उसको हटाना, इरेज करना। और रिस्टोर मीन्स वापस लाना। अगर इसका ये मतलब है, रेड कलर का ये मतलब है कि जितना कलर आपके फ़ोटो पे रहेगा उतना ही आपके फ़ोटो बन के प्रीव्यू में दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको भी रेड कलर कर दिया। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं तो ये भी दिख रहा है फ़ोटो में, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, सेव पर। अभी यहाँ पे फ़ोटो बन के तैयार हो चुका है, तो अब इसकी थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग यहाँ पे वाइट। ठीक है, अब इसके बाद हेयर कलर कर लेते हैं। हेयर कलर यहाँ पे ब्यूटी मोड पे, ब्यूटी ऑप्शन दिया है, ब्यूटी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे, आप पूरे ऑप्शन को नहीं बता सकता, जितना ज़रूरी है उतना बता देता हूँ। अगर आपको पूरी ऑप्शन जानना है तो आप खुद से भी जान सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चला के। ठीक है, यहाँ पे आई कलर, टीथ कलर, हेयर कलर दिया, स्किन टोन दिया है, तो हमें बाल को थोड़ा ब्लैक करना, ये चमक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे बाल पे उंगली से पूरा ले ला देते हैं। आप देख सकते हैं हो चुका है। अब इसको सेव कर लेते हैं गैलरी में, सॉरी, सेफ्टी में। सेव हो चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका है, सॉरी। अब इसके बाद एक कलर बैकग्राउंड लेते हैं, जिस भी कलर में अपना फोटो बनाना चाहते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे फोटो जो एडिट किया वो आ चुका है, बड़ा कर लेंगे। देख सकते हैं फोटो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे बस क्रॉप करना है, आप क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ पे जितना साइज का चाहते हैं वो हो चुका है, फोटो बन के तैयार हो चुका है। चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, सेव हो चुका है, दिखा देता हूँ गैलरी में जाके, देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका है।